लंच जो है हम लोग 5 days इन ए वीक, तो मैं दिखा दूं कि वो आवर लंच बॉक्स मेनू शेड्यूल जो है वह मंडे को जो है दलिया फ्रूट्स है, ट्यूजडे को ओट्स फ्रूट्स है, इस तरह से कर करके है। टेबल एक क्लासरूम है, दिस क्लासरूम इज राउंड टेबल क्लासरूम। ये जो क्लासेस हैं इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को फ्री किए हुए हैं। क्लियर कीजिए इसको, कहाँ ट्रांसपोर्टिंग कौन से क्लास का फ्री है? अभी मैं गोपालगंज में हूं और गोपालगंज में NH 28 पे हूं। NH 28 के जस्ट बगल में आज आपको एक स्कूल दिखाने वाला हूं, CBSE जूनियर पब्लिक स्कूल। CBSE पब्लिक स्कूल दो ब्रांच है यहां पे गोपालगंज में, सीनियर ब्रांच बसडीला में है और जूनियर ब्रांच का मैं पहले भी यहां का वीडियो दिखा चुका हूं। कोरोना काल के बाद क्या इफेक्ट पड़े हैं स्कूलों में, क्या बदलाव हुए हैं, आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक स्कूल का वीडियो दिखाया था कि भाई जो स्कूल लगातार कई सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रिजल्ट दे रहे हैं, मैंने वो वीडियो दिखाया था। और इस स्कूल को मैं दिखा चुका हूँ पहले भी और लगातार कमेंट आ रहे थे कुछ दिनों से कि भैया गोपालगंज में अभी कौन सा बेस्ट स्कूल है आप दिखाएँ, और कोरोना काल के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं स्कूल में उन चीज़ों को दिखाएँ। तो मैं आज फिर से पहुँच चुका हूँ CBSE पब्लिक स्कूल के जूनियर ब्रांच में और यहाँ पे NH 28 के जस्ट बगल में RR मोड़ के पास ये स्कूल है। और आज हमारे साथ फिर से जितेंद्र सर हैं। सर सबसे पहले तो आपका मेरा फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। कोरोना काल के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं स्कूलों में? अब तो स्कूल सब सही सलामत चल रहे हैं और रेगुलर बेस चल रहे हैं, लेकिन काफी सारे चेंजिंग हुए होंगे। लगातार 2 साल से जो लड़के घरों में बैठे हुए थे अचानक से उनके बिहेवियर में भी बदलाव हुआ होगा, तो खासकर जूनियर वाले बच्चों पे ज्यादा हुआ होगा। दैट इज नेचुरल, ये तो स्वाभाविक है सर कि बच्चे जो है घर पर बैठे तो उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पा रहा है। अब बच्चे माता पिता में हैं, घर घर के साथ हैं, यहाँ मल्टी स्टूडेंट्स के साथ होते हैं और बहुत सारे शिक्षक उनके साथ होते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चे आने से कतराने लगे हैं स्कूलों में। लेकिन मैटर कंसर्न टू CBSE पब्लिक स्कूल की जब बात करेंगे तो हम लोग 2-4-5 दिनों तक इस तरह की कुछ थोड़ी मोड़ी समस्याएँ आई, लेकिन अभी जब बच्चों का फिर से एक बार पिछली वीडियो में मैंने एक बार कहा था कि आप बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, हैंड राइटिंग देखिए, मैथमेटिकल स्किल देखिए, तो आपको पता चलेगा कि अब 95% स्टूडेंट्स डेवलप्ड हैं। तो हम समझते हैं कि कोरोना काल के बाद एक बार बच्चों के बीच में चले, बच्चे उत्साहित हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई होगी लड़कों को फिर से उस माहौल में लेकर आना। हम स्कूल में चलेंगे और बच्चों से भी मिलवाएंगे, टीचर से भी मिलवाएंगे आपको कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है और अभी स्कूल कैसा चल रहा है। चलें सर स्कूल में। हाँ बिल्कुल सर, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि आप यहाँ पे लंच की भी व्यवस्था किए हुए हैं, इसके बारे में बता रहे थे भैया। हाँ तो लंच के बारे में मैंने ये बात बताया था ना कि लंच जो है हम लोग 5 days इन ए वीक, मैंने 5 days स्कूल चलता है, सैटरडे संडे तो बंद रहते हैं स्कूल, तो इन 5 days में हमने लंच की व्यवस्था नर्सरी टू क्लास सेकेंड कर किया है। और उसमें जो है इसलिए किया है कि आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, ये हमारे पास संजोग से एक प्रोस्पेक्टस भी है, तो मैं दिखा दूं कि वो आवर लंच बॉक्स मेनू शेड्यूल जो है वह मंडे को जो है दलिया फ्रूट्स है, ट्यूजडे को ओट्स फ्रूट्स है, इस तरह से कर करके है। और हमने बताया था ना कि उसका लंच बॉक्स इंट्रोड्यूस करने का कारण है, लंच बॉक्स इंट्रोड्यूस करने का कारण है एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में से, जैसे एक बच्चा नर्सरी में क्या होता है ना कि 2 बच्चे हैं, कोई स्पेशल लंच लाया है, कोई जनरल लंच लाया है, तो दूसरा वाला देखकर जो है थोड़ा सा उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है। मतलब जैसे यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई थी स्कूलों में कि भाई कोई लड़का हीन भावना से ग्रसित ना हो, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के अमीर माँ बाप हैं जो अच्छे कपड़े दे सकते हैं, बहुत सारे गरीब परिवार के हैं कपड़े अच्छे नहीं दे सकते, तो एक समभाव वाली भावना के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई थी। बस यही कारण, दूसरा कॉज ये है कि एक फ्रेश फूड
फूड और जंक फूड। बच्चे क्या होते हैं घर पर, जंक फूड जैसे बर्गर पिज्जा खाने के आदि होते हैं, और जंक फूड से कहीं ना कहीं आगे बढ़कर जो है आपको शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, बच्चे कमजोर मस्तिष्क भी। सुबह सुबह जल्दी जल्दी लंच बॉक्स तैयार करने में कोई मैगी दे देता है या कोई जंक फूड वगैरह, तो इस सिचुएशन में फ्रेश फूड जो है ग्रुप में बच्चे जब खाएंगे ना तो फ्रेश फूड खाने की आदत लगी और उनमें डिफरेंसेस महसूस होगा कि फ्रेश फूड क्या है और जंक फूड क्या है। ये सब चीजें हो रही है धरातल पर, बिल्कुल इट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ये बहुत बड़ी बात है सर, स्कूलों में लोग लंच बॉक्स की व्यवस्था आप कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। और इसका कारण है, इसका कारण है कि हेल्थ भी इंप्रूव हो रहा है और साथ में उसका एजुकेशन भी इंप्रूव हो रहा है। और इसके चार्जेज की जहां तक बात है तो हम लोग बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट जैसे 25 रुपीज पर डे, अगर 20 दिन यह हुआ तो मोटा मोटी आप समझ लेना कि 500 रुपीज इसके चार्जेज लगे, नॉमिनल चार्जेज उसके रखे हैं। और नर्सरी से सेकंड तक ही हम लोग इसको रखे हैं, इसलिए कि थर्ड में जाने के बाद बच्चे लंच शेयरिंग आपस में करने लगते हैं। और दूसरी बात, वह हम लोगों ने देखा है, हम लोगों को फील हो रहा है कि थर्ड क्लास से बच्चे उसी तरह के हेल्दी फूड लाएंगे जैसे हमने स्कूलों में स्कूल में अपने एक्टिवेट किया है। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि पेरेंट्स ऐसा करेंगे, बच्चे जाकर स्वतः पेरेंट्स को कहेंगे कि वी नीड हेल्दी फूड व्हेन वी आर इन स्कूल कैंपस। थोड़ा सा कैंपस दिखाएं, यहाँ पे बहुत सारे शहरों में स्कूल जो होते हैं किराए के मकानों में चलते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए जरूरी हो जाता है। देखिए यह स्कूल जो है नर्सरी से क्लास 5 तक है और नर्सरी से क्लास 5 तक एक एकड़ में स्कूल होना, हमारे दो स्कूल्स हैं, सीनियर सेक्शन तो बस डीला खास है, एक बार आप विजिट किए थे और वह लगभग 4-4.5 एकड़ में स्कूल है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन का इतना बड़ा कैंपस शायद ही कहीं होगा, एक एकड़ में अवस्थित है। और हम लोग जो है ये आप पूरी कैंपस को देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने गेम से भी जुड़ी सुविधाएं दी है। हम लोग क्या किए हैं कि पेंडुलम स्विंग्स, जंपिंग स्विंग्स, उसके बाद स्लाइडिंग स्विंग्स, और साथ साथ में अभी आप नर्सरी क्लास रूम में जा रहे हैं तो यहाँ जो है राउंड टेबल एक क्लासरूम है, दिस क्लासरूम इज राउंड टेबल क्लासरूम। तो यहाँ भी इन्फिनिटी एक कॉम्प्लेक्स आता है ना कि बच्चे बैक बेंचर हैं, बच्चे फोर्थ बेंचर हैं, तो राउंड क्लास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी ने चलाया जब लंदन गए, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब था कि भाई गोल रहेगा तो सब लोग बराबरी से, सब लोग इक्वल होंगे, चाहे क्यों नहीं लंदन का क्राउन क्यों ना हो। तो इसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में नहीं आती है। एंड आई आर दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ नर्सरी क्लास एंड सी इज टीचर ऑफ नर्सरी क्लास। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा ये आई एम कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन बॉटनी एंड नर्स। कैन यू रिसाइट द टेबल ऑफ टू? दे आर तो 4 इयर्स के जो बच्चे हैं, 4 साल, आपने कॉन्फिडेंस लेवल की बात हमने की थी, हमने कहा ना कि रीडिंग राइटिंग भी, तो राइटिंग भी बच्चों की बिगड़ गई थी कोरोना काल में, राइटिंग वगैरह स्किल्स भी बच्चों के इम्प्रूव हुए हैं, मीन्स पहले के ही जैसे 10 डेज बाद। चूंकि CBSE पब्लिक स्कूल में क्या है ना कि CBSE पब्लिक स्कूल में आपको मैं बता दूं कि म्यूजिक एक बेस है पढ़ाने का, स्टोरी एक आधार है, स्टोरी के माध्यम से गेम जो है एक बेस हम लोग और गेम के माध्यम से टीचिंग करते हैं, ड्राइंग है, ड्राइंग के माध्यम से टीचिंग करते हैं। तो ये माध्यम जो है आपको ड्राइंग, म्यूजिक, ये जो माध्यम है, उसके बाद गेम ये जो माध्यम है, यह माध्यम बच्चों में वही पहले वाली एनर्जी का एक ला देता है और वही कारण है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, रीडिंग, राइटिंग, मैथ स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारे जो है इम्प्रूव्ड है। कोरोना काल के बाद आए हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार क्लासरूम में आप विजिट करें बच्चों के और वहाँ उनकी राइटिंग वगैरह जो है थोड़ा सा देखें। राइटिंग वगैरह जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्लीज कम हियर। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर आई एम BSc बीएड। बीएड क्वालिफाई है। दिस इज क्लास फोर्थ। दिस इज क्लास फोर्थ। टेक आउट योर फेयर नोटबुक प्लीज। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम ग्रेजुएट विथ ह्यूमैनिटीज एंड आई हैव आल्सो डन डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा इन म्यूजिक एंड आई एम अ ट्रेंड, I basically trained at CBSE Public School itself by CBSE and NCERT and also I am getting training to teach. तो मैटर कंसर्न सर, मैटर कंसर्न टू फियर, फियर फियर पर मैं ये बता दूं कि बच्चों का राइटिंग कुछ चेंज तो जरूर हुआ था थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही CBSE पब्लिक स्कूल, हमने कहा कि ड्राइंग के, ड्राइंग एक माध्यम है,
प्लीज गिव मी योर नोटबुक ऑल, आप किसी एक का फिर से मंगाइए। तो आप जिस किसी का भी नोटबुक मंगाएंगे तो हम लोग ड्रॉइंग के सहारे ही राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं, और ड्रॉइंग तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग है। हमने कहा गेम के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं सब चीज़। ये जो है हमने कहा ना कि ड्रॉइंग एक ड्रॉइंग जो है माध्यम है जिसे हम लोग हैंडराइटिंग को, जैसे छोटा छोटा ड्रॉइंग एप्पल को ड्रॉ कराना, उसे धीरे धीरे बच्चे में स्थिरता आती है, वो रचना करने लगता है और रचना करके वो अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर लेता है। मॉर्निंग, दिस इज क्लास फिफ्थ। मैंने एक चीज कुछ सुनवाया था आपसे, एक बार कहा था मैटर का पोयम, दे आर रिसाइटिंग द ऑल बुक इज कम्प्लीटली कम्प्लीटेड, गिव मी इंग्लिश बुक प्लीज। दिस इज क्लास फिफ्थ विवेकानंद, गिव मी बुक प्लीज। द फर्स्ट पोयम इज आइसक्रीम मैन। कैन यू डू इट विद एक्शन? प्लीज रिसाइट, 1 2 3 स्टार्ट। तो ये जो है पूरी बुक, ये एनसीईआरटी की बुक है और मात्र 4 महीना 6 महीना स्कूल चला है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में फिर कोरोना के कारण बंद हो गया था और इधर मार्च तक स्कूल। इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोगों का मेथड जो है गेम के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से पढ़ाना, जिसका परिणाम है जो ऑल द पोएम दे हैव रिसाइटेड ऑल द पोएम्स। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? MBA सर। काफी क्वालिफाइड लोग हैं आप। अच्छा, कैन यू डू क्राइंग प्लीज स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ये पूरी बुक याद है सर बच्चों को, वास्तव में याद है। मतलब मैंने देखा बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल एंजॉय भी कर रहे हैं। ये एक्शन जो है मीनिंग को क्लियर कर रहा है, फील के साथ। और कोई पोएम? ओके गुड, ओके सिट डाउन। पिछले वीडियो में सर आपसे पूछा था कि कैसे आप टीचर को सिलेक्ट करते हैं। जी, गुड मॉर्निंग। मैटर कंसर्न टू सिलेक्शन ऑफ द टीचर, हमने कहा था कि हम लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं प्रभात, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि प्राइवेट स्कूल में वैसे लोग टीचर होते हैं जो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, सारे स्कूलों की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्कूलों में सिलेक्शन प्रोसीजर वो है टफ है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ऐसे लोग टीचर होते हैं जो कहीं जॉब नहीं होता है, कहीं तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट में हार थक के प्राइवेट स्कूल का तैयारी कोई नहीं करता है। सरकारी स्कूलों का तैयारी सारे लोग करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कोई शुरुआत से ऐसी तैयारी नहीं करता कि हमको प्राइवेट स्कूल में टीचर होना है, और यहाँ पे क्वालिटी खराब हो जाती है टीचिंग स्कूलों की। आपका क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन प्रोसीजर? बिल्कुल सही बात है, आप सबसे पहले टीचर्स से बात करेंगे तो आपको फील होगा कि टीचर्स से जो मापदंड है सिलेक्शन प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, तो टीचर बीएड हैं, टेट हैं, सीटेट हैं, पहली बात। और हमारे यहाँ टीचर्स जो भी आते हैं, अब बात करेंगे तो टेट और, तो मैं अखबार में वैकेंसी देता हूं और उसके माध्यम से टीचर हमारे यहां आते हैं। यह बात सही है कि हमारे यहां से लगभग 200 टीचर सिंस 2009 आई हैव बीन रनिंग दिस स्कूल, फिर से मैं बात को दोहरा दूं, और उस समय से लगभग 200 टीचर्स जो हैं वह गवर्नमेंट जॉब में टीचर बनकर या प्रोफेसर बनकर यहां से चले गए। लेकिन मैं उस तरह से उतना स्केल देता हूं और उस तरह से ट्रेनिंग कराकर और उस एनवायरमेंट को क्रिएट करके रखता हूं। टीचिंग में आना ये भी एक बात है कि भाई सैलरी उस टाइप का नहीं मिलता है, तो अच्छे तो लोग आने, क्वालिटी आ नहीं पाती है। बिल्कुल। तो सैलरी की जहां तक बात है तो नॉर्म्स जो भी सीबीएसई का नॉर्म्स है उसका मैं पालन करता हूं, और ऐसे लोग जो हैं हमारे यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ से कहे ना कि 200 लोग बराबर वैकेंसी ऑलवेज देता हूँ, वैकेंसी से सीटेट और बीएड लोगों को मैं रखता हूँ। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? माय नेम इज रक्षा रानी श्रीवास्तव, बीए बीएड। बीएड किया आपने, कब से हैं स्कूल में? 6 इयर्स। 6 साल। यस आप हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी की शिक्षिका हैं, पानी रे पानी पोयम है। अच्छा, बच्चों पे कुछ पहले से चेंजिंग लगा 2 सालों बाद जब बच्चे स्कूल में आए, कुछ इनके बिहेवियर में बदलाव हो? ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन भी क्लास प्रॉपर वे चला है, तो बच्चों में आप सुन भी लेंगे बच्चे बहुत, मतलब थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा। और हम लोग के स्कूल में जो पोयम म्यूजिक के माध्यम से होता है वो हम लोग हिंदी इंग्लिश मैथ वो बच्चों का पूरा, बच्चे बिल्कुल मेंटली फिट हो गए स्कूल आने के लिए। बिल्कुल। चलिए सर थोड़ा सा और देखें योगा क्लासरूम है और स्टूडेंट्स देखिए एक्टिविटी सब कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बच्चों के मेंटली फिट के लिए, पढ़ाई के साथ साथ मेडिटेशन एजुकेशन के लिए बहुत आवश्यक है, बच्चों में स्थिरता आए और बिल्कुल वह स्थिर होकर
वर्क को करे तो इसके लिए योगा जो है चरित्र निर्माण के लिए भी आवश्यक है। कुछ योगा की एक्टिविटी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं बच्चों के आगे जो है। दिस इज गुड मॉर्निंग। ये कौन सा क्लासरूम है? Which class is this? Qualification क्या? Qualification is B.Ed and C.Ted. Where C.Ted? Maximum लोग अपने C.Ted को जी 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 जी. कौन सा subject देखते हैं? इसी यार ही मेरा qualify हुआ C.Ted में हर subject देखती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हिंदी का period है तो मैं हिंदी ही पढ़ा रही हूँ। अच्छा कोरोना काल के बाद बच्चों में कुछ इफेक्ट पड़ा जब स्कूल आ रहे हैं तो? नहीं नहीं अभी तो बहुत सुधार भी है। फिट हो गया, मेंटली फिट हो गया, स्कूल आने जाने लगे। अगले सेशन में कंप्यूटर खुला हुआ नहीं है, ऑनलाइन भी क्लास चलते रहा था। हम थोड़ा सा और क्लासरूम देखेंगे यहाँ पे। दिस इज कंप्यूटर क्लासरूम। अच्छा ये कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, लाइट चली गई। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे लाइट चली गई है ना अभी तो, इसलिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से किया? सर पटना, मौलाना मजरून हक यूनिवर्सिटी। अभी क्या इनको क्या सिखा रही हैं? सर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विंडोज विद वर्किंग विद विंडोज। यस सर। ये शुरुआत से ही कंप्यूटर क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है बच्चे मोबाइल से और कंप्यूटर से फ्रेंडली होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुरुआत से ये भी जरूरी है। इसकी भी आवश्यकता है जी। सब पोएम वगैरह या टेबल वगैरह सब तैयार हम लोग म्यूजिक के माध्यम से कराते हैं। सर म्यूजिक में क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? सर मैं सिर्फ विशाल त्रिवेदी म्यूजिक के जरिए हम लोग वी मेक इंटरेस्टिंग सब विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। इसमें कोई बजाना वगैरह भी सिखाते हैं, सिंगिंग वगैरह भी सिखाते हैं? हाँ बच्चों को सिंगिंग का भी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, टेबल का रैम्स का रिवीजन कराते हैं। हम लोग म्यूजिक सिखाने के साथ साथ सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना के हम लोग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं म्यूजिक की मदद से। जैसे हम लोग रैम्स पोएम का अभी क्लास वन से लेके क्लास फिफ्थ तक टोटल 15 रैम्स हैं, पर क्लास 10 यूनिट्स होते हैं। हमारे बच्चे अच्छे से मेमोराइज कर लिए हैं सबको। और टेबल हुआ, टेबल का भी हम लोग रिवीजन करते हैं अच्छे से। सिंपल सी बात है, जब आप कोई सिनेमा देखते हैं 3 घंटे की सिनेमा याद हो जाती है, उसकी छवि हमारे दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन लगातार अगर किताबें रटते रहते हैं वो याद नहीं हो पाता है। इसी वजह से कि इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टिंग उसको नहीं बनाया जाता है और पिक्चर जो है अच्छे से समझ में आ जाता है, पूरी स्टोरी याद हो जाती है। और अगर इस म्यूजिक के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए, म्यूजिक बिल्कुल एक माध्यम है। हाँ एक क्लास में एक सब्जेक्ट इंग्लिश को ले लें तो एक बुक एक क्लास, दिस इज क्लास थर्ड, दिस इज क्लास थर्ड, तो इसमें 10 पोएम है, तो 10 पोएम को म्यूजिक के माध्यम से गा कर आत्मसात कर लेना। और एक पोएम में 10 वर्ड अगर नया मिलता है तो 10 टेंजा 100 वर्ड्स नए हो गए। इस तरह से 1 से लेकर 5 तक 500 वर्ड्स जो है वह टिल डेथ बच्चे नहीं भूल सकते हैं। तो म्यूजिक एक मीडियम है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का और एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने का। सर इस तरह तो बच्चे स्कूल जो नहीं आना चाहते हैं उनका भी मन करता होगा स्कूल आने के लिए। मैं थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है? सर माय नेम इज मंजू कुमारी, माय क्वालिफिकेशन इज एमए प्लस बीएड। अच्छा एमए प्लस बीएड। यस सर। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? माय सेल्फ अंशु श्रीवास्तव, माय एजुकेशन इज एमकॉम। अच्छा एमकॉम है। ये काफी क्वालिफाइड लोग हैं आपके यहाँ। ऐसे इस तरह इंटरेस्टिंग करके आप बच्चों को जब पढ़ा रही हैं तो कोई अब्सेंट नहीं होता होगा, सब स्कूल आना चाहते होंगे। अच्छा हम आपसे फाइनली ये जानना चाहेंगे आपके स्कूल की जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कहाँ कहाँ तक अवेलेबल है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से काफी सारे लोग देख रहे होंगे। इधर हम सासामूसा के आगे कुछ आयकोट तक बघौच एक जगह है वहाँ भी जाती है। इधर बरौली तक जो है गाड़ी हमारे कहला बखरौर एक जगह है वहाँ भी माझा में भी गाड़ियाँ जाती है। जी 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 जी। और गाड़ियाँ हम लोग अब NH पर चूंकि सड़क के अच्छा 4 लाइन होने के कारण अब दूरियाँ घट गई है। बच्चे मोटा मोटी आप ये समझ लें कि 25 मिनट में गोपालगंज मोहम्मदपुर से आते हैं, तो गाड़ियाँ हम लोग मोहम्मदपुर तक अब भेज रहे हैं।
ये जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी चाहेंगे कि भाई इस तरह का शिक्षा जो है इस तरह के स्कूल में उनके बच्चे भी पढ़ें। बिल्कुल स्वाभाविक जी 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 जी। क्या फी स्ट्रक्चर है आपके? मैटर का फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर जो है हम लोग नर्सरी LKG और UKG, तो नर्सरी LKG UKG में लोगों का के मस्तिष्क में होती है कि हम बच्चों को जो है बाहर दूर ना भेजें, बगल के ही स्कूल में भेजें। उसके दो तीन कारण होते हैं, एक तो सुरक्षा, तो सुरक्षा एक कारण होता है। तो हम लोगों ने बच्चे को पिकअप माने अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, टीचर के सानिध्य में बच्चों को पिकअप किया जाएगा, और ड्रॉप आउट मैडम ही उन छोटे बच्चों को घर तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उसके लिए उसके लिए केयर टेकर अलग नहीं रहेगा, क्योंकि केयर टेकर उतना नहीं समझ सकता जितना मदरली केयर एक टीचर कर सकती है। बता रहे थे नर्सरी LKG और UKG ये जो क्लासेस हैं इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को फ्री किए हुए हैं। क्लियर कीजिए इसको, कहां ट्रांसपोर्टिंग कौन से क्लास का फ्री है? नर्सरी LKG और UKG, नर्सरी LKG और UKG ट्रांसपोर्टिंग फी नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग फी हम नहीं लेते हैं। ट्यूशन फी उसका जो है 1400 हम लेते हैं। ट्यूशन फी मंथली मंथली ट्यूशन फी जो है 1400 लेते हैं, ताकि बच्चे जो है बच्चे बगल से वो दूर से जो बच्चे जब हमें मौका मिलेगा तभी उन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5 जूनियर सेक्शन भी है और उसमें से बच्चे सीनियर सेक्शन में भी सेक्शन में जाते हैं। ये सारा जो वीडियो लोग देख रहे हैं वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अब तक आपने रिजल्ट क्या दिया, जो जूनियर से सीनियर में गए या सीनियर से कहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं सर, या जूनियर से किसी ऐसे स्कूल में सिलेक्शन हुआ कि नहीं सर। सर मैं बता दूं, आप तो जूनियर की गतिविधि अभी देख रहे हैं, उसकी रीडिंग राइटिंग देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। अब बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट मैं बता दूं कि इस जिले में नहीं, इस केवल जिले में नहीं, राज्य स्तर पर आप CBSE के साइट पर जाइए, लोगों को कहिए कि स्कूल का एफिलिएशन नंबर, स्कूल नंबर खोलो, CBSE के साइट पर जाओ और रिजल्ट को देखो। 2019 का रिजल्ट हो या अभी 2021 का रिजल्ट हो, हमारे जैसे प्लस टू में 137 बच्चे एपियर थे प्लस टू में 2021 में, और 15 बच्चों को अबव 95%, 38 बच्चे हैव बीन सिक्योर्ड अबव 90%, और किसी को 70% नो वन स्टूडेंट इज बिलो 70%। ये हमारा रिजल्ट है। और यह नहीं कहना चाहिए, यहाँ सैनिक स्कूल भी है, यहाँ गोपालगंज में सैनिक स्कूल, आप सैनिक स्कूल का रिजल्ट देखिए, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, आप सैनिक स्कूल का रिजल्ट देखिए, उनका रिजल्ट और हमारे रिजल्ट को तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा कि हम उनसे एक कदम नहीं 10 कदम आगे हैं, जबकि वे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेते हैं एंड वी टेक द एडमिशन डायरेक्टली, वी सीक द एडमिशन डायरेक्टली। ये लेकिन यह उन्हीं बच्चों का रिजल्ट है जो नर्सरी LKG UKG 1-2 से हमारे यहाँ नर्चर होकर और 10th तक जाते हैं, और उन बच्चों के अब कहेंगे कि भाई वो बच्चे आगे जाकर क्या करते हैं, तो हम एक एलुमनी बुक भी बना रहे हैं, संजोग से कुछ बच्चे हमारे यहाँ फोटो भी भेजे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये बच्चे जो हैं ये रोहित कुमार द्विवेदी हैं, ये आपको PMCH में अभी पढ़ रहे हैं, ये सुरभि है, कुछ डॉक्टर्स जो बच्चे बने हैं लोग अपनी तस्वीर भेजे हैं, कुछ लिख कर भी भेजे हैं, सुरभि है, ये जो है आपको सौम्या है, ये भी ये PMCH में पढ़ रही है, बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, ये बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, तो इस तरह से बहुतेरे फोटो है आप देखिए। तो 2012 में हमारा पहला बोर्ड था एंड देयर वेयर 40 स्टूडेंट्स हैव बीन अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2012 में, और मैं सर आपको बता दूं एक भी बच्चा, मैं एलमुनी बुक भी बनाने जा रहा हूं गार्जियन को आकर, क्योंकि गार्जियन गोपालगंज के ही अगल बगल के हैं तो एक दूसरे को जानते जरूर होंगे, गार्जियन आए विजिट करें। 2012 और 13 के बच्चों को आप देखिए, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है, रोजगार का मतलब यह नहीं है जो कहीं भी है, वह जो है अगर IIT करके या अच्छे जगह से NIT करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ कर तो कहीं अगर किसी कंपनी में है तो वह अच्छे सैलरी के साथ है, अच्छे विजेज के साथ है। बच्चे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, बच्चे जो हैं आपको फैशन डिजाइनिंग में, मुंबई में हमारे बहुत सारे बच्चे, मुंबई जो फैशन डिजाइनिंग कॉलेज उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कलकत्ता में। थोड़ा सा हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप शुरू से ही प्राइवेट स्कूल ही चला रहे हैं या कुछ और? देखिए मेरे परिचय के बारे में आप जान लें कि मैं चार भाई हूँ, मेरे पिताजी टीचर थे, मेरे और चारों भाई, सबसे बड़े भाई गवर्नमेंट टीचर हैं, द्वितीय जो हैं वह हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, तृतीय मैं हूँ, चतुर्थ भाई भी टीचर हैं, घर की महिला लोग भी टीचर है, इसलिए टीचिंग जो है यह हमारे विरासत में है, और यही कारण है कि सिंस 2005 शुरू से ही आपकी चाहत थी कि भाई हम स्कूल चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गोपालगंज जिले में जब आया तो पिताजी कहे कि भाई क्या करोगे, हम कहे कि इसके पहले मैं पटना में रहता था, मेरा एजुकेशन जो है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर से, मैं फिजिक्स में ऑनर्स किया और उसके बाद मैं पटना में कॉम्पिटिशन की कुछ तैयारी में थे, लेकिन संजोग बस जहाँ चाहते थे वहाँ तक कम्प्लीशन नहीं, पिताजी ने कहा आगे क्या करोगे, हम कहे सब लोग तो टीचिंग में हैं, तो ईश्वर ने कहा है भाई टीचिंग का काम करो, और यही और इसी में मजा आता है, तो यही सोचकर मैं
गोपालगंज आया और स्टार्टेड स्कूलिंग और स्कूल मैंने शुरू कर दिया और 2009 में हमने स्कूल स्टार्ट किया। अभी तक हमारे दो ब्रांचेज हैं और यही हमारा सीबीएसई जो नाम है आपका, थोड़ा सा दिखाएं सीबीएसई, ये तो सीबीएसई बोर्ड है। देखिए अच्छा। एक संजोग भी है कि चंद्रिका विद्या सेकेंडरी एजुकेशन पब्लिक स्कूल एंड व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द शॉर्ट फॉर्म इट इज सीबीएसई पब्लिक। सीधे शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे, काफी सारे स्कूल हैं, काफी सारे दावे भी सारे स्कूल करते हैं, सारे लोग अपने अपने को बेस्ट बताते हैं, आपके स्कूल कैसे अलग है? आप 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का प्रत्येक साल का रिजल्ट देखिए, 2019 का रिजल्ट हो, 2021 का रिजल्ट हो, आप साइट पर जाइए, बच्चे यह दिल्ली नहीं है, यहाँ बच्चे अगल बगल सब लोग एक दूसरे को जानता है। हमारा रिजल्ट जो है गोपालगंज स्तर पर नहीं, इस साल का रिजल्ट व्यक्तिगत बात करेंगे तो बिहार स्तर पर नहीं, देश स्तरीय रिजल्ट है। हमारे 137 बच्चे फिर 12 बोर्ड में इस बार एपियर थे और उसमें से 38 बच्चों को अबव 90% आया, 15 बच्चों को अबव 95% आया, टोटल 50 बच्चों को अबव 90% आया और एक भी स्टूडेंट बिलो 70% नहीं था। यह रिजल्ट गोपालगंज के सैनिक स्कूल में भी नहीं है। एक लाइन में कहूंगा कि स्कूल का रिजल्ट देखिए, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट है। यह रिजल्ट तो आपको मैं बता दूं कि मसूरी के स्कूलों में सीबीएसई वही प्लेटफॉर्म है, नैनीताल जाएंगे तो वही प्लेटफॉर्म है, जब आप देहरादून जाएंगे, इस देश का एजुकेशनल प्लेस माना, एजुकेशनल हब माना जाता है, बच्चों के लिए मसूरी चले जाओ पढ़ने, नैनीताल चले जाओ पढ़ने, देहरादून पढ़ने चले जाओ, लेकिन बोर्ड जो है ना प्लेटफॉर्म रिजल्ट का वह एक ही है, दैट इज सीबीएसई। जो लोग बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी सारे जो नजदीक के होंगे वो तो सीधे एड्रेस एक बार यहां के बताइए। एड्रेस जो है, जैसे हमारा सीनियर जो है तो सीनियर हमारा बसडीला खास गोपालगंज, और जूनियर जो है तो इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स कॉलोनी NH 28 वो लोग चाहते हो कि आपके यहाँ हमारे बच्चे पढ़े, कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? वो जो है आप एक मोबाइल नंबर जो है फोन, आप उसको वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हमारा वेबसाइट भी है www.cbseepublicschool.com, तो उससे विजिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह अवेलेबल है। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दे दूंगा। और दो तीन नंबर आप डिस्क्रिप्शन पर आपके माध्यम से कोई विजिट करता है इस माध्यम से तो नंबर विल बी गिवन एंड दे विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। कोरोना काल के बाद सारे लोगों की आर्थिक स्थिति हिल गई, स्कूलों की भी हालत थोड़ी सी, सबको सैलरी दे रहे थे, बच्चे को फी नहीं आ रहा था, सबका स्थिति खराब हुआ है। अभी कुछ एडमिशन में ऑफर वगैरह है आपके? देखिए 2-3 साल से स्कूल बंद रहे लगभग 3 इयर्स, और हमें और वही टीचर्स हैं जो कंटिन्यू किए, हमें 40 लाख रुपया सैलरी भी देनी है। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको बता दूं कि चूंकि पेरेंट्स की भी यह समस्या है और स्कूल ऐसा नहीं कि स्कूल पूरा पैसा वसूल लेता है या बहुत अच्छा पढ़ाता है तो पूरा पैसा वसूल ले, तो मानवता भी एक चीज है। तो 2020 और 21 पूरे एक साल कोरोना काफी हमने उसको एक्सक्यूज कर दिया। अभी जो है अगर बच्चे का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है, गार्जियन कंसस हैं, वह चाहते हैं पढ़ाना, तो मैं एडमिशन वगैरह में जो है कुछ उनको किफायत दे रहा हूँ। पुराना वह व्यक्ति टू व्यक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर है कि किस तरह का है। अगर उस तरह का नहीं सक्षम है तो स्कूल इज कोऑपरेटिंग दोज पेरेंट्स। सिंपल भाषा में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी कोई पेरेंट्स वीडियो देख के खुश हो रहा है कि गोपालगंज में ऐसी स्कूलें हैं लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो आपके यहाँ पढ़ा सके, जी उनको आप कैसे मदद? बच्चा गार्जियन अगर सिंसियर हैं, वो चाहते हैं कि भाई सिंपल गरीब बच्चे कोई चाहे कि हम सब बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छा स्कूल है, हम उनके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते, गार्जियन सिंसियर है और उनका बच्चा उत्थान करता है तो स्कूल का उत्थान होता है, पूरे समाज का उत्थान होता है और यह हमारा दायित्व है, उनकी सिंसियरिटी है, तो मैं उन्हें कॉपरेट वैसे गार्जियन को करता हूं। और आपके माध्यम से कोई आते हैं जैसे सर मेरा बच्चा मैं चाहता हूं, तो आर्थिक स्थिति को आड़े हाथ नहीं आने दूंगा, परिस्थिति के अनुसार उन्हें सुविधाओं को देकर और उनके बच्चों को कोशिश करूंगा कि उनकी भी रीडिंग राइटिंग मैथ स्किल बड़ी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो और वह भी अबव 90% बोर्ड में लाएं और इस देश के एक अच्छे और एजुकेटेड नागरिक बन सके। मैंने गरीब बच्चों का भी हक है। बिल्कुल 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 काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और आपकी सोच को देखकर काफी अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप जैसे लोग गोपालगंज में हैं और ऐसे स्कूलें चला रहे हैं और शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों सेवा के भावना से शुरू की गई थी लेकिन इसको लोग व्यवसाय बनाते जा रहे हैं और इस समय अभी इस माहौल में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा स्कूल विजिट कराया। अभी मैं गोपालगंज का एक बेस्ट स्कूल आपको दिखा रहा था जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं, मैंने आपने वीडियो देखा, आपको यहाँ का क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप सीधे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, फिजिकली विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिलेगा और अपनी